हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 18 ऑफ सीआरपीसी। ये चैप्टर डील करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन में किस तरीके से ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलने का क्या प्रोसीजर है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग एकदम शुरुआत से समझ लेते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कोई मामला पहुँचता कैसे है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी मुकदमा जो होता है, कोई भी कंप्लेन या कोई भी अपराध का संज्ञान जो है, जो सेशन जज होता है वो नहीं लेता है, वो नहीं ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन से नहीं शुरू होता है कोई मामला। कोई भी मामला कहाँ से शुरू होता है? मजिस्ट्रेट की कोर्ट से होता है, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से होता है। जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, यानी जो सेशन जज होता है, वो डायरेक्ट अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस, जैसे अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। जैसे कि कोई डिफेमेशन का केस होता है कोई हाई डिग्नेटरीज के लिए, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के बाकी किसी भी मामले में कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है। संज्ञान कौन लेता है? जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट जो होते हैं किसी भी अपराध का संज्ञान यही लेते हैं। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी अपराध का संज्ञान लेता है, भले ही वो अपराध जो है सीजेएम द्वारा ट्रायबल ना हो, लेकिन संज्ञान तो वही लेगा, सीजेएम लेगा। फिर उसके बाद जब सीजेएम को लगता है कि नहीं, ये जो मामला है इसका मुकदमा जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर चलना चाहिए, तो फिर वो सेक्शन 209 के अंदर, 209 के हिसाब से उस मामले को कमिट कर देता है सेशन कोर्ट के पास। सेशन कोर्ट के पास कमिट कर देता है, और जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, सेक्शन 154 की रिपोर्ट हो गई, जो FIR की कॉपी हो गई, या सेक्शन 161 के अंदर जो बयान लिए गए, या सेक्शन 164 के अंदर, 164 के अंदर जो बयान लिखे गए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देता है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है कोई भी अपराध का डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेता है, ये जब कोर्ट उसके पास भेजता है तो वो उसको कंटिन्यू करता है, फिर वो उसके ऊपर जो है वहाँ से कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर शुरू होता है। अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर है, ये चैप्टर 18 के अंदर डिस्कस है, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले एकदम शुरुआत में कि कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे प्रोसीजर शुरू होता है। तो अब जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी मामले को, जैसे कोई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने किसी मामले को कोर्ट ऑफ सेशन में भेजा, जैसे सपोज डैट कि सीजेएम की कोर्ट ने किसी मामले को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने किसी मामले को कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दिया, धारा 209 के हिसाब से। जब सीजेएम को ये लगा कि ये मामले का मुकदमा जो है कोर्ट ऑफ सेशन में चलना चाहिए, तो उसने उठा के कोर्ट ऑफ सेशन में उस मामले को कमिट कर दिया। अब यहां से शुरू होता है कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर दिया गया है, ये शुरू होता है सेक्शन 225 से। अब सेक्शन 225 है सीआरपीसी का, ये हम लोगों को एक जनरल रूल बताता है। ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो मामला होगा, मतलब जो केस कमिट होके आया है, वो कंडक्ट कौन करेगा? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, यानी जो अभियोजन पक्ष जो है उसको जो है, जो लोक अभियोजक होगा, यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं सरकारी वकील, लोक अभियोजक जो होगा, अभियोजन पक्ष जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो ही उसका अभियोजन चलाया जाएगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कोई मामला गया है तो इसको प्रोसिक्यूट कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी डन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सेक्शन 225 बता रहा है। इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कोई प्राइवेट वकील को करके अपने प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर मैं सरकारी वकील को नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने वकील को करना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो आप अपने प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं अपने प्राइवेट वकील को करके। सिर्फ धारा 301 के अंदर इसके लिए कुछ छूट है। कुछ छूट ये है कि जैसे आपका जो प्राइवेट वकील है, जो आपने अपना वकील किया हुआ है, वो आपका जो वकील होगा उस लोक अभियोजक जो होगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उसको मदद कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है, चीज़ें शेयर कर सकता है, खड़ा होकर प्रोसीडिंग देख सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है किस तरीके से प्रोसिक्यूशन चला रहा है, लेकिन वो खुद कंडक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज़ बेसिक रूल बता दी गई सेक्शन 225 के अंदर।
अब सेक्शन 226 कहता है सीआरपीसी का कि अब जैसे मान लीजिए कि अब प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, तो अब जब प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ तो जो अभियुक्त है, अक्यूज्ड है, जब वो न्यायालय में हाजिर हुआ या मान लीजिए वो लेके आया गया, तो अब उसके अगेंस्ट जो जो आरोप लगे हैं, जो जो चार्जेस लगे हैं, वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो कंडक्ट करेगा, वो आरोप जो है कोर्ट को बताएगा, यानी जो सेशन जज होगा उनको बताएगा कि इनके अगेंस्ट ये आरोप लगे हैं, ये चार्जेस इनके अगेंस्ट लगे हुए हैं। ये सेक्शन 226 के अंदर बताया, द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, और ये बताएगा कि किन साक्ष्य के बल पे वो अभियुक्त के अगेंस्ट जो है जो गिल्ट है यानी जो अपराध है उसको प्रूव करना चाह रहा है, किस एविडेंस के बल पे वो जो अभियुक्त है अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट जो है ऑफेंस को प्रूव करना चाहता है, ये चीज बताएगा, ये चीज सेक्शन 226 के अंदर बताया गया। अब सेक्शन 227 बताता है कि इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, जो केस की चीज़ें आई, जैसे हमने बताया था कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो सारी चीज़ें भेजेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं केस से वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद, द डॉक्यूमेंट सबमिट देयर विद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशंस ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज न्यायालय के अंदर अपियर हुआ है उसका सबमिशन जो है उसको सुनने के बाद, जो अभियुक्त है उसको सुनने के बाद, एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ द जज कंसिडर्ड दैट देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, यानी अभियुक्त को सुनने के बाद और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद जज को लगता है कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा है आगे कार्रवाई करने के लिए, तो जज क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करके जो अभियुक्त होगा उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप अक्सर पढ़ेंगे सीआरपीसी के अंदर, जब बहुत से ट्रायल के बारे में हमने पढ़ाया है, ट्रायल ऑफ वॉरंट केसेस और कई ट्रायल के बारे में पढ़ाया है, तो जिसके अंदर हमेशा क्या आप पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि जब भी मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को छोड़ता है, जैसे डिस्चार्ज कर रहा है, तो जब भी डिस्चार्ज करेगा वो हमेशा अपना रीज़न लिखेगा। तो डिस्चार्ज करने के लिए सिर्फ अपना दिमाग में ये बैठा लीजिए कि डिस्चार्ज करने के लिए, छोड़ने के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, उस मजिस्ट्रेट को लगता है कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए, चार्ज फ्रेम करना चाहिए उसके अगेंस्ट, आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को वहाँ पे रीज़न रिकॉर्ड करने ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वहाँ पे वो रीज़न दे कि वो क्यों चाह रहा है कि उसके अगेंस्ट चार्ज प्रिपेयर हो। लेकिन अगर छोड़ रहा है तब उसको रीज़न देना ज़रूरी है, एंड ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग, ये सेक्शन 227 के अंदर है। अब इसके बाद आता है 228, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब 228 बता रहा है कि जैसे 227 में मजिस्ट्रेट जो सेशन जज है उसको लगा कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, कोई आधार नहीं बन रहा है कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो अब धारा 228 में अगर जो सेशन जज है उसको ये लगता है कि ग्राउंड बन रहा है, कुछ प्रेजम्पशन बन रहा है, कुछ ग्राउंड बन रहा है कि कार्रवाई को आगे बढ़ानी चाहिए, तो उस केस में सेशन जज जो है कई और स्टेप ले सकता है। जैसे एक स्टेप ये है कि सेशन जज ने जब मामले को देखा, मामले को देखने के बाद सेशन जज को लग रहा है कि यार इतना संगीन मामला नहीं है कि ये इसका मुकदमा जो है सेशन जज में चलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उठा के उस केस को फिर से भेज सकता है सीजेएम कोर्ट के पास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कि अब आपके यहाँ ये मामला चलेगा, मतलब सेशन कोर्ट के पास वो भेजा गया था कमिट करके, लेकिन अब सेशन कोर्ट जो है उसको फिर भेज सकता है सीजेएम कोर्ट के पास कि उसको लग रहा है कि नहीं ये सीजेएम कोर्ट में ही इसका ट्रायल चलना चाहिए, तो वो उठा के फिर सीजेएम कोर्ट में भेज देगा उसको, सीजेएम कोर्ट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, और जो पार्टी होगी उनको बता देगा कि अब आपको वहाँ अपियर होना है, उसमें तारीख लगा देगा किस डेट में किस डेट में अपियर होना है, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो जो मामला है वो उसका ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन में उसका मुकदमा चले, वो ऐसा मुकदमा है कि सीजेएम कोर्ट में चल सकता है, एक चीज़ तो ये होगी। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि ये मामला ऐसा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में ही इसका ट्रायल चलना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज एक्सक्लूसिवली ट्राई बाय द कोर्ट ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, तो फिर वो इन राइटिंग में जो है चार्ज फ्रेम कर देगा अभियुक्त के अगेंस्ट। Where judge frames any charge under subsection, under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused. जो चार्ज वो फ्रेम करेगा जज, वो चार्ज जो है अभियुक्त को, अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट क्या क्या आरोप बन रहे हैं। And the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. और जो अभियुक्त होगा उससे ये बात पूछी जाएगी कि
क्या तुम चाहते हो, मतलब जो आरोप तुम्हारे अगेंस्ट लगे हैं क्या तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, जो आरोप तुम्हारे अगेंस्ट लगे हुए हैं। सेक्शन वेक्शन नहीं, यहाँ पे जो आरोप लगे हुए हैं, क्या जो आरोप तुम्हारे अगेंस्ट लगे हुए हैं उसको तुम एक्सेप्ट करते हो या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाने का मतलब कि अब कार्रवाई को आगे बढ़ी जाए। अभी तो वो यहाँ पे खुद उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम आरोप को एक्सेप्ट करते हो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तो फिर हमें एविडेंस के बल पे उसको सजा देना पड़ेगा ना। अभी तो वो कबूल नहीं कर रहा, अगर कबूल नहीं करेगा अपने गुनाहों को तो फिर हमें कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी। फिर हम गवाहों को बुलाएंगे, साक्ष को देखेंगे, जो एविडेंसेस उसके अगेंस्ट है, ताकि उसको तभी तो सजा सुनाई जा सके। तो यहाँ पे उससे पूछा जाता है क्या तुम अपने आरोपों को एक्सेप्ट करते हो या तुम चाहते हो कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये चीज सेक्शन 228 के अंदर बताया गया। अब सेक्शन 229 के अंदर बताया गया है कि जहां पे अक्यूज गिल्टी प्लीड कर देता है, जहां पे अभियुक्त जो होता है वो ये कह देता है कि जो आरोप लगाए गए हमारे अगेंस्ट मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर वो अपने लगाए गए आरोप के ऊपर जो उसके अगेंस्ट लगाए गए उनको एक्सेप्ट करता है तो मजिस्ट्रेट चाहे अपने विवेकानुसार अपने डिस्क्रिएशन पे उसको चाहे सजा दे सकता है या तो चाहे जो प्रोसीडिंग है यानी जो कार्रवाई चल रही है उसको अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि अगर अभियुक्त ने अपना गुनाह जो है स्वीकार कर लिया, यानी जो आरोप उसके अगेंस्ट लगे हैं, जो प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे जो जज होगा, सेशन जज होगा, वो बाउंड नहीं है कि वो उसको सजा सुना दे। अगर मजिस्ट्रेट सजा नहीं सुनाता है तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अब देखिए सेक्शन 230 के अंदर यही चीज़ बता दी गई है कि अब मान लीजिए कि जो अभियुक्त है उसने कहा कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा हूं, यानी मैं आरोप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यह मान लीजिए कि उसने गिल्टी को प्लीड कर दिया, उसने आरोप को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसको सजा नहीं दिया, मजिस्ट्रेट चाहता है कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस केस में मजिस्ट्रेट जो है तारीख लगा देगा कि अब किस तारीख में जो है जो गवाह है वो अपियर हों, और वो सम्मन कर सकता है, जो पार्टीज़ हैं, जो विटनेसेस हैं उनको बुला सकता है, उनके पास कोई अगर साक्ष्य हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, इन सारी चीज़ों को बुला सकता है, देख सकता है, ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके, ये देखा जा सके कि जो अभियुक्त है वो गिल्टी है या नहीं है। तो ये सेक्शन 230 तक हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे के सेक्शन को फिर हम दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे।